खबर लालकुआं से है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के बाद भी प्लास्टिक यूज करने का मामला सामने आया था, जिस पर लालकुआं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। बता दें कि एक डिस्पोजल विक्रेता की दुकान पर छापेमार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पॉलिथीन सहित प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री बरामद की गई है। साथ ही विक्रेता के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा विक्रेता को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। इसमें हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन हुआ है, उसके सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। इसमें जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हो गए, प्लेट्स हो गई, अन्य प्लास्टिक बैग्स हो गए, ये अब से बैन है। तो इसमें जो आज थी हमारे द्वारा रैंडम चेकिंग की गई, जो क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक बेच रहे थे उसको, इसमें हमने 3-4 कट्टे जो प्लास्टिक की सामग्री है वो जब्त भी करी गई है, तथा इसके विरुद्ध जो ये अपने विक्रेता रहते हैं और जो ये ठेली वाले रहते हैं, इनको भी अवगत कराया गया है कि आगे से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ ना करें।